ଝୋଲ ଥିଲା ଛଣ ହେଲା ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଫଲକେ ତାର ଅଂଶକେ ଆଉ ସେଲୁଲୋଜ ହଉଛେ କାଷ୍ଠଜନ୍ୟ ମାନେ ସେଇ କାଟିକୁଟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବା ସେଲୁଲୋଜ ହେଲେ ଧଣିଚା ଝୋଳ ଇ ପ୍ରକାର ଗଛର ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯିବା ତାହାକେ ଆମେ କାଟି କରିଦେବାର କଥା ତାର ପରିପକ୍ୱ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଫୁଲ ନାଇଁ ଫୁଟିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପଳାୟନଶୀଳ କାର୍ବନ ରହିଛି ଅସ୍ଥିର କାର୍ବନ ରହିଛି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରିବାର କଥା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ପରେ କାଟି କରି ବ୍ୟବହାର କରମା ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଫସଲରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳିବା ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ବି ବଳବାନ ହେବା जो तीसरा है अच्छा जन कौन सा है नंबर तीन सजीव आचरण सजीव आचरण में आंतर फसल मिश्र फसल है ना मुख्य फसल में आंतर फसल मिश्र फसल लिखे सजीव आचरण में कौन कौन सी आंतर फसलें किस तरह लेना है सजीव आच्छादन में कौन कौन सी आंतर फसलें किस तरह लेना है एक एक दल मुख्य फसल में द्विदल आंतर फसल लेना है एक दल मुख्य फसल में द्विदल आंतर फसल लेना है एक दल आंतर मुख्य फसल में द्विदल आंतर फसल लेना है कल मैंने बताया एक दल द्विदल क्या है और द्विदल मुख्य फसल में एक दल आंतर फसल लेना है द्विदल मुख्य फसल में एक दल आंतर फसल लेना है मोनोकॉट इंटू डायकॉट डायकॉट इंटू हाँ जैसे गन्ना है गन्ना क्या है एक दल है ना गन्ने में हमने अरहर बोया अरहर क्या है द्विदल लोबिया द्विदल है मूंग उड़द है ना लेकिन अरहर है अरहर कौन सा है द्विदल है तो अरहर में मूंग नहीं देना अरहर में एक दल देना है दल में एक दल कौन सा हो सकता है धान है ना ज्वार है बाजरा है मक्का है ना इस तरह कैसे लेना है कल देखेंगे हम देखिए उदाहरण के रूप में आपको नंबर दो लिखिए आंतर फसलों की जड़े आंतर फसलों की जड़े मुख्य फसल के जड़ों से कम लंबाई की होनी चाहिए अंतर फसलों की जड़ें मुख्य फसल के जड़ों से कम लंबाई की होनी चाहिए ताकि ये जड़े ताकि ये जड़े मुख्य फसल के जड़ों के साथ मुख्य फसल के जड़ों के साथ नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी है ना जैसे मैं
आप इधर देखिए, जैसे ये अरहर है, ये अरहर की ये मुख्य जड़ है और ये द्वियम जड़ है और ये सूक्ष्म जड़ है। अभी अरहर की जड़े कहां से नमी लेती है, है ना? और इसके साथ अगर हमने हमारी जवान बोया तो जवान की जड़े ऐसी फैलती है ना, ऊपर फैलती है, तो जवान या मक्का यहां से नमी लेगा और अरहर की जड़े नीचे से नमी लेगा, है ना? तो दोनों में प्रतिस्पर्धा रहेगा, है ना? नंबर तीन देखिए, अंतर वस्तुओं की आयु, अंतर वस्तुओं की आयु मुख्य फसल के आयु का मुख्य अंतर फसलों की आयु मुख्य फसल के आयु का आधे से लेकर दो तिहाई हिस्सा होना चाहिए, आधे से लेकर दो तिहाई हिस्सा होना चाहिए। अरे अंतर फसलों की आयु कितनी चाहिए, मुख्य फसल के आयु के आधी चाहिए नहीं तो दो तिहाई चाहिए, है ना? अंतर फसलों की आयु मुख्य फसल के आयु के कितनी चाहिए, आधी चाहिए नहीं तो दो तिहाई चाहिए, है ना? नहीं तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ ये करेंगे तो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, गाय के लिए सूरज की दृष्टि के लिए और नल के लिए। देखिए अगर दोनों की आयु समान होती है, अगर दोनों की आयु समान होती है तो दोनों में सूरज की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर शक्ति और नमी लेने के लिए प्रतिस्पर्धा निर्माण होती है। सूरज की ऊर्जा और नमी इन दोनों की उपलब्धि के लिए प्रतिस्पर्धा निर्माण होती है, जिससे दोनों कुपोषित रहते हैं। जिससे दोनों कुपोषित, इसलिए क्या करना है, मुख्य फसल की आयु अंतर फसलों की आयु मुख्य फसल की आयु के कितना होना चाहिए, आधा अथवा दो तिहाई, चार चार। अंतर फसलें मुख्य फसल के ऊपर, अंतर फसलें मुख्य फसल के ऊपर बढ़ने वाली नहीं चाहिए, अंतर फसल मुख्य फसल के ऊपर बढ़ने वाली नहीं चाहिए, ताकि उन दोनों में सूरज के रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। सूर्य ऊर्जा संग्रहित करता है ना?
अगर आपको, और ये कितने ग्राम दिन में करता है? 4.5 ग्राम खाद्य दिन की करता है, कल देखा ना, उसमें से हमें कितना उपज मिलता है अनाज की? 1.5, और फलों की सब्जियों की 2.2। इसका मतलब है कि जितने पत्तों के ऊपर जितनी ज्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी उतनी ज्यादा तादाद में हमें क्या मिलेगा? उत्पादन मिलेगा, है ना। अगर आपको प्रति एकड़, अगर आपको प्रति एकड़ 120 क्विंटल धान चाहिए, कितना चाहिए, कितनी उपज चाहिए आपको? अगर प्रति एकड़ 120 क्विंटल धान की उपज चाहिए अथवा 200 टन गन्ने की उपज चाहिए, किसको चाहिए? 120 क्विंटल एक एकड़ में धान की उपज अथवा 200 टन गन्ना किसको चाहिए एक एकड़ में? हाथ ऊपर करिए, किसको चाहिए? हाँ, ये हाथ ऊपर करिए, किसको चाहिए? उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कैसे मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, विमान में घूमोगे, ये ऊपर के ऊपर विमान में घूमोगे, पाओ नीचे वहां से टाटा करोगे। अगर हमें ये उत्पादन चाहिए तो लिखिए प्रति एकड़, तो हमें प्रति एकड़ 160 करोड़ किलो कैलोरी सौर ऊर्जा संग्रहित करना होगा। कितना? 160 करोड़ बोलते करोड़ बोलते कोटि सौ किलो कैलोरी सौ ऊर्जा संग्रहित करना होगा। और हमारे भूमि में, और हमारे भूमि में प्रतिशत जैविक कार्बन संग्रहित करना होगा। और कार्बन अंतर गुणोत्तर मालूम है ना, देशो 10:1 होना चाहिए। व्हाट आर द टारगेट्स? पहला टारगेट है एक एकड़ में 160 करोड़ कोटि किलो कैलोरी सूर्य ऊर्जा हमें फसल के शरीर में संग्रहित करना होगा। भूमि में 2.5% कार्बन जैविक कार्बन संग्रहित करना होगा, और कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए भूमि में? 10 किलो कार्बन इकट्ठा किया तो कितना किलो नाइट्रोजन जमा करना पड़ेगा? एक, तब कहीं आपको 120 क्विंटल धान, है ना। मैं तो केवल घूमने से भाषण करने से नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा? रासायनिक खेती करना नहीं होगा, क्या होगा? जैविक खेती करना, आपको जीरो बजट खेती नहीं करना होगा। अभी सूर्य ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा जो हमें संग्रहित करना है वो कहां से आती है? सूरज के रोशनी से मिलती है ना, तो उस रोशनी की तीव्रता कितनी होती है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ सोलर लाइट, और कौन सी तीव्रता पौधों को चाहिए, ये भी हमें देखना है ना। जो सूरज
मिट्टी से हमें सौर ऊर्जा पकड़ना है, उसकी प्रखरता इंटेंसिटी कम सी चाहिए, ये भी हमें देखना होगा। अभी हम देखेंगे, ये समझ में आ गया? निवेदन जी, पांच छह लोगों की आवाज आप साथियों, चार लोग प्लीज कीप क्वाइट, डोंट डिस्कस। चार लोग मई महीने में कड़ी धूप में दोपहर को 2 बजे घूमने के लिए निकले। कितने लोग निकले? कब निकले? मई महीने में कड़ी धूप में दोपहर को 2 बजे 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। एक के माथे पर कुछ नहीं था, खाली माथा था, टकलू था, लेकिन उसको वो कड़ी धूप से कोई तकलीफ, वो मजे के साथ चल रहा था। इसका मतलब है उसको कड़ी धूप अच्छी लग रही, कड़ी धूप में वो अच्छा चलता है, वो है मिस्टर टकलू। मिस्टर उसको कड़ी धूप चाहिए। इस कड़ी धूप की तीव्रता कितनी होती है? 7,000 से 12,000 फुट के अंदर। कितनी प्रखरता होती है? आप प्रखरता बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं, प्रखरता। कितनी प्रखरता होती है? 7,000 से लेकर 12,000 फुट कैंडल पर करता। पहले पूरी प्रखरता उसके माथे को सहन होती है, बड़े मजे से चलता है। उसमें एक दूसरा था नंबर 2, वो कड़ी धूप देकर उसको सहन नहीं हुई, वो बोलने लगा इतनी धूप में मैं जाऊं ये नहीं सकूं, मुझे तकलीफ हो रही है। तो उसने क्या किया, अपना पॉकेट से जेब से रुमाल निकाला और रुमाल ऊपर बांध दिया, तब कहीं वो अच्छी तरह से चल सका। ये है मिस्टर रुमाल। अरे मिस्टर रुमाल को कड़ी धूप नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हिलती डुलती छाया चाहिए, धूप छाव चाहिए। उसको क्या बोलते हैं आप? धूप छाव, धूप छाव चाहिए। ये धूप छाव होती है, इसकी सूरत का प्रखरता कितनी होती है? 5,400 to 6,000 फुट के प्रखरता। कितनी होती है? 5,400 से लेकर 6,000 फुट कैंडल प्रखरता उनको सहन। एक तीसरा था, शायद वो बड़े अफसर का लड़का हो, कभी धूप में गया नहीं, एक हाथ बार गया। जब वो धूप में गया तीसरा, तो तीन मिला गया। अरे बाप रे, धूप ऐसी होती है, मैंने तो कभी देखी नहीं, मैं नहीं चल सकूंगा, मुझे बचना होगा। तो उसने क्या किया, अपना रुमाल निकाला, रुमाल बांध दिया और उसके ऊपर टोपी लगा दी। क्या लगा दी? टोपी, हैट। यह है मिस्टर टोपी, मिस्टर टोपी। इसको और थोड़ी छाया चाहिए, इसको क्या चाहिए? और ज्यादा छाया चाहिए, छाया चाहिए। इसको कड़ी धूप नहीं चाहिए, इसको छाया चाहिए। इसकी प्रखरता कितनी होती है? 3,700 to 5,000 फुट के अंदर।
और चौथा था नेपाल का राजकुमार। अब सत्ता गई, पहले गया, रस्ते पर आया, कभी जन्म में कभी धूप देखी नहीं थी, एसी कार में घूमता था, लेकिन रात चला गया तो अब रस्ते पर आ गया। अब तीन मिला गया, बाप रे धूप ऐसी होती है, अरे मैं पहली बार मैं देख रहा हूं, मैं मरूंगा, मैं नहीं जा सकता, लेकिन चलना तो होगा। तो उसने रुमाल निकाला, रुमाल बाद में रुमाल के ऊपर क्या लगाया, टोपी लगाया, और टोपी के ऊपर क्या लगाया, छाता लगाया, ये है मिस्टर छाता। इसको चाहिए घनी छाव, घनी छाव जिसकी जरूरत आए 1808 to 3000 फुट। इसका मतलब है कि हर मानव को सूरज की रोशनी की समान प्रखरता से, हर मानव को अलग अलग प्रखरता सहन करने की क्षमता ईश्वर ने दी है। ईश्वर के कानून मानव के लिए अलग, वनस्पति के लिए नहीं होते, ईश्वर के कानून सब सजीवों के लिए एक समान। अगर यह कानून मानव के लिए अर्थात ये कानून किसके लिए होना चाहिए, वनस्पति के लिए भी। इसका मतलब है हर वनस्पति को एक समान प्रखरता सहन नहीं होती, उनको भी अलग अलग प्रखरता सहन करने की क्षमता ईश्वर ने। कौन से वनस्पति को कितनी प्रखरता सहन होती है अब हम देखेंगे, है ना? ठीक। तो प्राकृतिक चाषर सजीव आच्छादन विषय चर्चा कला बेल के आम आगे नुआ दिग आड़े गति करूचु। सजीव आच्छादन ता काणे बोली करी आम जिते बेले बुझार लगी चेष्टा करूचु, गोटे नुआ पद्धति कथा आसुचे। जेन भाई मैंने हिंदी बोधे बुझी जाइन से मैंने टे बाहर के जीवार लगे चाहूँ, आवश्यकता के आम नहीं रोकू, कितु से मैंने जल्दी पलि आस कही सारापर सागे सागे पालेकर जी वक्तव्य आरंभ होगा। से लगे सजीव आच्छादन जेन पद्धतिटा रोचे ताके हिंदी में कह जाए आंत फसल, ताके आम ओडिया मिश्रित फसल बोली करी भी कहा जाए। मिश्रित फसल माने होचे जे प्राकृतिक व्यवस्था रे विभिन्न फसल मानकर भितरे जेन सहजीवन रा संपर्क रहूचे, परस्पर के सहयोग करबार संपर्क रहूचे, सेई व्यवस्था के सृष्टि करबार लागी आमे केवल गुटे रकम रा फसल नाय करी करी मिसामिसी फसल करबार कथा। केन फसल सागे केन फसल करमा जहाँ द्वारा फसल मान को परस्पर रो सहयोग मिलवा ताके नहीं करी प्रकृति रो किछ विज्ञान अछे, और से विज्ञान के आमे जदि हल करि नै बुझमा ताहे निश्चित भावरे जीरो बजेट प्राकृतिक चाष रे इ जे मिश्रित चाष मिश्रित फसल रो जे गुरुत्व अच्छे ताकि आम बुझी नहीं पार।